आप देख रहे हैं द इंडियन समाचार, नो कम्प्रोमाइज ओनली न्यूज। हाथरस जनपद के राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप पर ठाकुरों को अपमानित करने वाली वीडियो वायरल होने पर दी तहरीर। ठाकुर यादव समुदाय में वैमनस्यता फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग। ठाकुर समाज में आक्रोश। कोतवाल अवधेश कुमार ने कहा, अपराधियों के परामर्श के बाद रिपोर्ट दर्ज करने का लिया जाएगा निर्णय। हसायन कोतवाली में राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष रामू जादौन द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप पर विक्की यादव नाम के व्यक्ति द्वारा, जिसका निवासी बादामपुर ब्लॉक मरहरा जनपद एटा का, पत्र में लेखन किया गया है जो ठाकुर और यादव समाज के मध्य वैमनस्यता फैलाने जैसी सामग्री अपडेट की है, जिसमें ठाकुर समाज के लोगों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए गाली गलौज का में उल्लेख किया गया है। राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष रामू जादौन ने कोतवाली में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करने की अनुरोध किया है। इस संबंध में कोतवाल अवधेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों से परामर्श लेने के बाद ही कोई अपराध पंजीकृत किया जाएगा। बहुत दिन भूल गए, बीच खटुआ में तुमने ठाकुरों ने झुंड ने अकेले को घेरा था और इस अकेले ने तुम्हारी भूल गए वो दिन के खेतों में डाल के तुम्हारे ठाकुर की थी, पूछ ले सारी गाड़ी फोड़ दी थी। बिक्की वही बिक्की यादव हूँ आज भी तुम्हारी डल्लो कचौरा हाथरस जिला के ठाकुर सुधर जाओ। आज ये क्या मामला है और यहाँ किस संबंध में आए हो? ऐसा है, आज का जो मामला एक बिक्की यादव करके है, जिला एटा में पड़ता है और मारेरा ब्लॉक है, तो उन्होंने फेसबुक के माध्यम से वीडियो कॉल के माध्यम से सारे समाज को, हाथरस जिले को गंदी टिप्पणी मतलब की थी। इस विषय में हमें पता लगा तो हमने अपने हसायन कोतवाल अवधेश कुमार जी को अवगत कराया इस चीज़ से और हम यहाँ आए, हमने उनको तहरीर दी। हमने ये कहा कि इसके खिलाफ या तो कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर करणी सेना और छत्तीस समाज के लोग, हसायन ब्लॉक के जितने भी छत्तीस समाज के लोग हैं सब उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और छत्तीस समाज को पता है, वो अपने आप अपना निर्णय स्वयं लेना चाहती है,